एक ऐसा हाथी जिसको फांसी की सजा हुई थी। जी हाँ, ये बात है 1916 की, जब अमेरिका में स्पार्क्स नाम का एक सर्कस हुआ करता था जिसमें मैरी नाम की एक हाथी हुआ करती थी। लेकिन एक दिन उस हाथी का रखवाला सर्कस को छोड़कर चला गया। तभी उस सर्कस में कोई दूसरा मैरी का रखवाला आया, पर वो रखवाला उस हाथी को अच्छी तरीके से नहीं रख पा रहा था। एक दिन जब वो हाथी सड़क पर से जा रहा था तो उसने कोई खाने की चीज देखी और उस चीज को खाना चाहा, पर उसके रखवाले ने उसको बहुत रोका और आखिरकार उसके रखवाले ने उसके भाला घोप दिया। इससे उस हाथी को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने रखवाले को ही कुचलकर मार डाला, जिसके बाद पूरे अमेरिका में इस हाथी का विरोध किया गया और आखिर में सरकार को तंग आकर उस हाथी को फांसी की सजा देनी पड़ी और उस हाथी को एक क्रेन की मदद से लटकाकर फांसी दे दी गई। क्या उस हाथी के साथ सही हुआ या गलत, कमेंट्स में जरूर बताना।